आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 128वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं, जैसा अभी चल रहा है कि ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश बीच में निकल कर आ रही है। किसान आंदोलन को आरंभ हुए 2.5 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ने वाला किसान आंदोलन में एक नई बात निकल कर सामने आ रही है। एक बात और जुड़ गई है कि इस आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही है, ऐसा भी कहा जाने लगा है। किसानों को कुछ स्वार्थी तत्वों के हाथों की कठपुतली बनाने की बात भी लगातार कही जा रही है। एक प्रश्न यही खड़ा हुआ है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश की जा रही है या किसानों को कोई ताकत कठपुतली बनाकर उनका उपयोग कर रही है, तो हमारा खुफिया तंत्र, देश का खुफिया तंत्र, दिल्ली का खुफिया तंत्र, दिल्ली पुलिस का खुफिया तंत्र, केंद्र सरकार का खुफिया तंत्र आखिर कर क्या रहा है। जब किसानों का ये आंदोलन आरंभ हुआ था तब आपको याद होगा कि उस समय किसानों की सिर्फ एक ही मांग थी कि नए कृषि कानून को लागू होने पर सरकार इस बात की गारंटी दे कि इस कानून के लागू होने के बाद ना तो मंडी व्यवस्था समाप्त होगी सरकारी स्तर पर और ना ही किसानों का शोषण होगा और किसानों को मिलने वाली MSP की व्यवस्था लागू रहेगी। वैसे देखा जाए तो कृषि सुधार कानून में इस बात का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है कि सरकार द्वारा मंडियों को, सरकारी मंडियों को या MSP को ख़त्म किया जा रहा है। किसानों की चिंता बेवजह नहीं मानी जा सकती है। इसकी ठोस वजह यह है कि अगर निजी स्तर पर जो मंडियां किसान खुलेंगी वो किसानों को शुरुआती दौर में तो अच्छी कीमत देंगी, ऐसी स्थिति में सरकारी मंडियों की ओर किसानों का रुख नहीं होगा और सरकारी मंडियों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी और इस परिस्थिति में सरकारी मंडियाँ दम भी तोड़ सकती हैं। वैसे देखा जाए तो शेर आया की तर्ज पर किसानों को एकजुट किया गया और राजधानी में डेरा डाला गया। शुरुआती दौर में पंजाब के किसान ही इस आंदोलन में दिख रहे थे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुए हंगामे के बाद यह आंदोलन लगभग समाप्ति की ओर पहुंच चुका था। उसी समय जब यह समाप्ति की ओर पहुँच चुका था उसी समय राकेश टिकैत की आंखों से टपके आंसुओं ने एक बार फिर पटरी से लगभग उतर चुके इस आंदोलन को करंट दे दिया और यह आंदोलन पंजाब की बजाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पाले में आ गया। ये सभी के सामने किसान आंदोलन पार्ट टू में वैसी एनर्जी महसूस नहीं की जा रही थी, नहीं हो रही थी जिस तरीके की बात, जो एनर्जी, जो जागरूकता 26 जनवरी के पहले दिखाई दे रही थी। इसी बीच पर्यावरण के लिए काम करने वाली ग्रेटा और पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट ने इस आंदोलन में न केवल जान फूंकने का काम किया वरन इस आंदोलन को इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा के लिए खड़ा कर दिया है। भारत की जो छवि है उस छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब किए जाने के प्रयास भी आरंभ हो गए हैं। ग्रेटा को आखिर अपना ट्वीट डिलीट क्यों करना पड़ा? जाहिर है उनके द्वारा इस षड्यंत्र को ही बेनकाब किया गया था जो साबित कर रहा था कि वे उस षड्यंत्र का ही हिस्सा हैं। रही बात रिहाना की, तो रिहाना के चाइनीज़ कनेक्शन किसी से छुपे नहीं हैं। शायद ही ये बात किसी से छुपी हो कि रिहाना और चाइना के बीच क्या संबंध है। इसके पहले भी रिहाना के जरिए चीन के द्वारा अफ्रीकन कंट्रीज़ में कर्ज का जाल जिस तरीके से फैलाया गया वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आइए अब आंदोलन की बात करते हैं। लगभग 2.5 महीने में इस आंदोलन की चर्चा की जाए तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली की सीमाओं के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ है। सरकार के नुमाइंदे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ स्वार्थी तत्व किसानों को अस्त्र बनाकर सरकार पर वार करना चाहते हैं। आंदोलन स्थल देश की राजनीतिक राजधानी की सीमा पर है। क्या देश की शक्तिशाली खुफिया तंत्र, दिल्ली पुलिस के खुफिया तंत्र के लिए पता लगाना बहुत दुष्कर है?
इस आंदोलन को कौन हवा दे रहा है, कौन यहाँ खाना ले जा रहा है, कौन यहाँ पानी ले जा रहा है, कौन रसद दे रहा है, कौन धन दे रहा है, इस आंदोलन की जो लट्टू जगमगा रहे हैं वो लट्टू के तार बैटरी में कहाँ से जुड़े हुए पता लगाना दुष्कर कार्य नहीं है। अगर सरकार का ये कहना है कि किसानों को कोई गुमराह कर रहा है तो, और ये बात अगर सही है तो सरकार निश्चित तौर पर यह पता लगा चुकी होगी कि गुमराह करने वाला कौन है। लगभग 2.5 महीनों से वो भी कोरोना काल के बाद किसान कथित किसान या किसान धरने पर बैठे हुए हैं। जहां वे बैठे हुए वहां आसपास बहुत कुछ प्रभावित हुए बिना नहीं हैं। फिर सरकार आखिर किस बात का इंतजार कर रही है? आखिर आंदोलनकारियों को के साथ 9-10 स्तर की बातचीत क्यों की गई अगर वे किसान नहीं, जबकि कुछ सियासी दल उन्हें किसान मानने से इनकार कर रहे हैं, तब सरकार इनके साथ बातचीत क्यों कर रही है? हमारा अपना मानना, सियासत होनी चाहिए, हर मामले में सियासत वाजिब है, पर किसानों के साथ दिल्ली में किसानों के नाम पर जो कुछ चल रहा है उसे देश का कोई भी नागरिक उचित शायद ही ठहरा पाए। विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस को चाहिए था कि इन 2-2.5 महीनों में देशव्यापी स्तर पर सरकार के खिलाफ इस बात का दबाव बनाया जाता कि इस मामले में सदन में बहस कराई जाए, और मजबूर होकर सदन में सरकार को बहस कराना पड़ता तो ये किसानों की कांग्रेस की विपक्ष की जीत मानी जा सकती थी। विडंबना कही जाएगी कि इस मामले में उचित मंच अर्थात संसद पर चर्चा के लिए कोई दबाव बनाता नहीं दिखता। सभी चाह रहे हैं कि सड़क पर किसान उतरे, किसान आंदोलन करें, किसान जिस तरीके की उनकी जो कार्यप्रणाली है वे अपनी कार्यप्रणाली में रहें, सियासतदारों की सियासत चमकती रहे। हो सकता है सियासतदार यही चाह रहे हो। किसानों का मसला बिल्कुल स्पष्ट है। कृषि कानून किसने बनाया? कृषि कानून संसद ने पारित किया, उसमें संशोधन कहाँ होगा? उसमें संशोधन संसद में होगा। तब क्या विपक्ष इतना निरीह है, क्या विपक्ष इतना कमजोर है कि वो सदन में बहस कराने के लिए भी जनमत एकत्र नहीं कर पा रहा है? फैसला अभी करें। कोरोना काल लगभग समाप्ति की ओर है। अगर आप घर से निकलते हैं तो घर से निकलते समय मास्क जरूर पहनें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, जो गाइडलाइंस हैं जो SOP जारी की जा रही हैं उनका पालन करें। लिमटी की लालटेन का 129वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कैसे करना है हर वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते ही। लिमटी के लालटेन का 129वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो YouTube आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो YouTube खोलिए, अदरवाइज़ Google में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE YouTube आप सर्च करिए। YouTube सर्च जैसे ही आप करते हैं तो YouTube आपके सामने ये YouTube.com खुल जाता है। YouTube को आप खोलिए। YouTube खोलने के उपरांत आप YouTube में साइन इन कर लीजिए। YouTube में आपको साइन इन करना होगा। YouTube में आप साइन इन करते हैं, जैसे ही आप YouTube में अगर साइन इन करते हैं तो YouTube में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया, ये देखिए आपको नोटिफिकेशन, आप चाहें तो अलाउ करें चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोज़, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ इसमें डले हुए हैं।
अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है, ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद, आपको अभी वीडियोज़ प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं कंपोनेंट्स हैं सब कुछ आपको ये देखिए होम वीडियोज़ प्लेलिस्ट कम्युनिटी चैनल अबाउट सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी, लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं सबसे पहले तो होम में जाएंगे, चार पांच जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे, उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोज़ एक लाइन से आपको सारे वीडियोज़ दिखना चालू हो जाएंगे, नए पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं आप जो भी देखना चाहें आपको आसानी से सारे के सारे वीडियोज़ ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर से। ये सारे वीडियोज़ रोज़ लगभग 8 से 10 वीडियो अपलोड होते हैं जिसमें अलग अलग सेगमेंट के समाचार भी होते हैं, ऑडियो बुलेटिन होते हैं, मौसम के अपडेट भी होते हैं, विद्यार्थियों के लिए जानकारी, मनोरंजक वीडियोज़ होते हैं, पेंच नेशनल पार्क ये काला आप देख सकते हैं, मोगली का साथी रहा वगैरह, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर चर्चित जो कार्टून्स हैं उनको भी हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से आप लिमटी के खरे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ के वीडियो को जो उनका चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।